नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा, राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से कर्ण जी के की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्ण जी के की सीरीज में आज मैं आपसे राजस्थान स्पेशल के तहत सांभर झील पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप जानते हो कि सांभर झील में लगभग 20,000 पक्षी एवियन बोटुलिज्म नामक वायरस के कारण मारे गए हैं, तो उस संदर्भ में आपके एग्जाम की दृष्टि से सांभर झील का पैटर्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में मैंने इंडिया जीके की सीरीज में भी कुछ बताया है, उसमें वो जो टॉपिक है वो इंडिया लेवल से रिलेटेड है। इस सीरीज में जो मैं बात कर रहा हूँ वो राजस्थान से रिलेटेड है। वहाँ मैंने एक न्याय मित्र के बारे में चर्चा की है, उस न्याय मित्र को आप वहाँ पर जाके जो अपना इंडिया जीके की सीरीज है उसमें ज़रूर देखें। तो राजस्थान के संबंध में सांभर झील में जो 20,000 पक्षी मारे गए हैं उस पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। सांभर झील में एवियन बोटुलिज्म नामक वायरस के कारण नवंबर 2019 में लगभग 20,000 पक्षी मारे गए। लगभग 20,000 पक्षी मारे गए हैं। यहां पर आपके काम की चीज है एवियन बोटुलिज्म, यह आपके काम की चीज है। दूसरा, यहां पर जब राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई की गई तो न्याय मित्र ने कुछ सुझाव दिए थे। अब वो क्या सुझाव दिए थे और न्याय मित्र क्या होता है, इसकी जानकारी मैंने इंडिया लेवल की जो टेस्ट इंडिया लेवल की जो करंट जीके की सीरीज है उसमें दे चुका हूं। आप उसको वहां जाकर देख लें। क्लियर। अब मैं यहां पर आपके काम की चीज है सांभर झील, उसकी बात कर रहा हूं। आइए, ये है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। यहां पर लिखना भारत के कुल नमक उत्पादन का 12% राजस्थान में होता है। तो ये आंकड़ा है, याद रखें आप, कुल नमक उत्पादन का 12% राजस्थान में होता है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जिसमें से
8% सांबर झील करती है, 8% सांबर झील करती है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, और इसमें जो संबंधित जो कंपनी है, भाई कौन सी कंपनी इसका निर्माण कर रही है, ये है सांबर साल्ट लिमिटेड। और ध्यान रखें, ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। तो ये तो हो गई इसके नमक उत्पादन की बात, अब हम बात कर रहे हैं इसके निर्माण की। इसका जो निर्माण किया था वासुदेव चौहान ने, ये चौहान शासक थे, इन्होंने इसका निर्माण किया था। और ये जो बात कही गई है, ये कही गई है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, और जो निर्माण किया था, ये स्थान था फुलेरा जयपुर, यहाँ इसका निर्माण किया गया था। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदियां मिलती है इसमें, बात करते हैं उसकी, संबंधित नदियां। जैसे हम कहें ये सांबर झील है, ये इसका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। यहां से जो नदी उत्तरी भाग से, ये है मेथा नदी, और दक्षिणी साइड में से जो नदी जाती है, ये रूपनगढ़ नदी, और इस साइड से दो नदियां आती हैं उत्तर पूर्व में, एक खारी नदी है और एक खंडेला नदी है। ये नदी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे नदियां मिलती है ये। क्लियर? एक इस नदी के पास जो मंदिर है, ये शाकंभरी माता का मंदिर है। शाकंभरी माता का मंदिर है इस नदी के किनारे, और ये जो शाकंभरी माता है, इसको कहते हैं तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी कहते हैं। इसी तरीके से इस मस्जिद के पास, इस झील के पास एक मस्जिद है जिसे नालीसर मस्जिद कहते हैं। एक मस्जिद है, नालीसर मस्जिद है। इस झील में क्या है, एक शैवाल पाया जाता है, स्पाइरुलिना। ये जो स्पाइरुलिना है, इसमें प्रोटीन अधिक होता है। तो ये बात है। अब एक बहुत ही विशेष तथ्य बात करें तो कुरुंजा पक्षी हो गए, सारस हो गए, ये यहाँ पर आते हैं, विदेशी पक्षी, पर्यटन का केंद्र है ये। और एक स्टार डाल के लिख दीजिए, अकबर व जोधा का विवाह इसी झील के किनारे हुआ था। आरपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप कर लेती है।
एक कोड लिख दीजिए यहाँ पर, हाँ इधर लिख दीजिए। इस झील में राजहंस व सारस पक्षी आते हैं। राजहंस और सारस पक्षी आते हैं। एक चीज और ध्यान रखें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस झील को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रामसर साइट्स क्या है? रामसर साइट्स जो है आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, जो वेटलैंड होती है उनके संरक्षण से संबंधित है ये। और इसमें एक विश्व स्तर पर एक सूची बनाई गई है जिसमें राजस्थान के दो स्थलों को शामिल किया गया है और ये दोनों एग्जाम में आते हैं। तो इन दो स्थलों में से एक स्थल तो है ये सांभर झील और दूसरा है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ये अच्छे तरीके से याद कर लें और नोट कर लें, बार बार रिपीट करते जाएं कि रामसर साइट्स किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। उसमें राजस्थान के केवल दो स्थान शामिल किए गए हैं, एक तो है सांभर झील और दूसरा है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर? तो ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने सांभर झील को जानने का प्रयास किया और सांभर झील में जो एवियन बोटुलिज्म के कारण जो पक्षी मारे गए हैं उन पर हमने चर्चा की। ये सीरीज राजस्थान स्पेशल है और राजस्थान के एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें बात की गई है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंडिया और राजस्थान दोनों में मैंने जो ये सांभर झील के संबंध में जो सीरीज डाली है इन दोनों को साथ मिलाकर पढ़ें। ऐसे मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ और दोनों को मिलाकर पढ़ें। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया और राजस्थान दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप मेरे सांभर झील का जो प्रोजेक्ट है, ये सांभर झील का जो मैंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, जो सिस्टम तैयार किया है, इसको प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।